एक को मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ डोनट के अंदर से, ये पका हुआ कि नहीं। तो एकदम ये अंदर से भी पक चुका है और चीज भी मेल्ट हो चुका है। हाय, आज मैं फिर से एक और मजेदार रेसिपी के साथ आई हूँ। वो है चिकन डोनट। चीटोस से मैं बनाऊंगी नया फ्लेवर की। आप लोग भी कोई सा भी फ्लेवर क्रिएट कर सकते हो। बहुत इजी रेसिपी है। तो चलो मेरे किचन पे, मैं बनाऊंगी मेरे तरीके से चिकन चीटोस डोनट। चीटोस चिकन डोनट बनाने के लिए चीटोस चाहिए। तो चीटोस को पहले साइड में रखती हूँ और चिकन की पहले कीमा बना लेती हूँ। तो एक बड़ा सा जार ले लेंगे मिक्सर की, उसमें मैं डाल दूंगी ये बोनलेस चिकन। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हाफ कप सोयाबीन, चिली फ्लेक्स, एक चम्मच चिली पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, हाफ चम्मच नमक, एक चम्मच चिकन मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच ऑयल भी साथ में मैं डालूंगी। आप लोग चाहो तो बटर भी डाल सकते हो। और इसमें मैं डालूंगी बॉयल आलू, तीन बॉयल आलू डाल दिया मैंने। और फिर मैं डालूंगी इसमें धनिया पत्ता, फ्रेश पुदीना पत्ता, चार पांच कली लहसुन की, तीन ग्रीन चिली, एक मीडियम साइज के ऑनियन को रफली चॉप करके डालूंगी, छोटे टुकड़े अदरक की, और मैं डालूंगी इसके ऊपर से ब्रेड, ब्रेड को छोटा छोटा तोड़ तोड़ के। तो दो पीस ब्रेड ऐड कर दिया मैंने। अब मैं इन सब की फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो ये बन गया है मेरा पेस्ट। इन सबको मैं एक बोल में निकल लेती हूँ पहले। तो ये पेस्ट मेरा निकल गया। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच डार्क सोया सॉस और बाइंडिंग के लिए डालूंगी तीन चम्मच मैदा। और मैं डालूंगी इसमें मोन्जरेला चीज। आपके पास जो भी चीज हो आप यूज करो, या नहीं भी कर सकते हो, बिना चीज के भी ये बन जाएगा बहुत अच्छा। फिर इन सबको मैं मिक्स करूंगी अच्छे से। तो अभी ये जो मिक्सर है बन गया है रेडी। इसको मैं अभी रखूंगी आधा घंटा 30 मिनट फ्रिज में, ताकि ये रेस्ट ले ले और सारे जो मसाला सब कुछ सेट हो जाए चिकन के साथ। तो जब तक चिकन रेस्ट कर रहा है, बाकी का तैयारी करती हूँ। चीटोस को सबसे पहले मैं ग्राइंड कर लूंगी। तो ये बन गया है, दरदरा सा मैंने कूट लिया। अगर आपके पास चीटोस अवेलेबल ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हो चिकन डोनट बनाने के लिए। तो चीटोस को मैंने रेडी कर लिया। अब मैं एक अंडे का घोला बनाऊंगी। तीन अंडा ले लिया मैंने, एक चुटकी नमक डालूंगी और एक चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर, खूब मिक्स करूंगी। 30 मिनट हो चुका है, अच्छे से रेस्ट कर लिया। अब हम हाथ में ऑयल लगाएंगे अच्छे से। हाथ में अच्छे से ऑयल लगा के एक पोर्शन ले लेंगे, जैसे रोटी के साइज का पेड़ा ले लेंगे एक। तो अच्छे से गोल करके फिर बीच में एक बोतल की ढक्कन लेके हम उसको प्रेस कर देंगे। और फिर ये हो जाएगा एकदम एकदम डोनट के शेप के। तो ऐसे ही बना के मैं रखती जाऊंगी एक एक करके। तो जब हम बना के रखेंगे ना एक एक करके, तो नीचे थोड़ा मैदा हम छिड़का के फिर इसके ऊपर डोनट को रखेंगे। तो अब मैं एक एक डोनट लेके डालूंगी। तो एक डोनट ले लूंगी पहले, उसको मैं मैदे में थोड़ा और डिप करूंगी अच्छे से। एक्स्ट्रा मैदा जो है वो हम निकल लेंगे। उसके बाद अंडे में डिप करूंगी। तो अंडे में डिप होने के बाद चीटोस में मैं इसको डिप करूंगी, कोट करूंगी अच्छे से चीटोस से चारों तरफ। जो एक्स्ट्रा चीटोस है उसको भी हम निकाल देंगे।
तो ऑयल भी गर्म हो चुका है अच्छे से। अब मैं डोनट को धीरे से ऑयल में छोड़ दूंगी, लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तो एक साइड को 2 मिनट पका के फिर धीरे से इसको पलट दूंगी दूसरे साइड को भी अच्छे से फ्राई करने के लिए। तो लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया मैंने पलट पलट के 6-7 मिनट तक एक एक डोनट को। तो ये सारे डोनट मैंने फ्राई कर लिया, अब मैं प्लेटिंग करूंगी। तो एक को मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ डोनट के अंदर से ये पका हुआ कि नहीं। तो एकदम ये अंदर से भी पक चुका है और चीज भी मेल्ट हो चुका है, बहुत टेस्टी होता है। तो प्लेटिंग कर लिया मैंने और मास्टर सॉस से मैंने गार्निशिंग कर दिया। एकदम सिंपल रेसिपी है ये, इंग्रेडिएंट खाली स्टेप बाय स्टेप रेडी कर लेना रहता है, बाकी बहुत मजेदार है, बहुत यम्मी है। आप लोग बनाओ, बना के खाने के बाद कॉमेंट में मुझे जरूर बताना कैसा था मेरा ये चीटोस चिकन डोनट। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।